कल मध्य प्रदेश की धरती पर पप्पू जी आए थे, पप्पू की भी बात कर लें। और ये पप्पू क्या है, ऐसा लगता है झूठ की मुकाबला, झूठ की दुकान है, झूठ की मशीन है। जब भी बोलते झूठी बोलते और ऐसे जोरदार तरीके से बोलते कि उनको खुद को ही नहीं लगता कि वो क्या कह रहे हैं। जनता तो सब समझती। कल उन्होंने सबके बीच एक किताब दिखाई, अरे संविधान की कॉपी। मित्रों, संविधान की कॉपी में और उन्होंने आरोप लगाया भाजपा वालों पर कि ये संविधान हमको बदल देंगे, वो भूल गए। पहली बात तो जिस बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस संविधान की कॉपी पे हस्ताक्षर किए वो कॉपी कोई और है, ये पॉकेट बुक टाइप कोई दूसरी पुस्तक उठा ला है। इनको ये मालूम नहीं कि असली कौन है नकली कौन है, इनको ये ध्यान ही नहीं है। और ये एक भी रोज ऐसे नए नए फिर कहते मेरे को पता नहीं क्या है, मीडिया वालों के खिलाफ बात है। मीडिया वाले केवल मोदी जी को दिखाते, मोदी जी को दिखाते, मोदी जी को दिखाते। अरे तुम दिखने लायक हो ही नहीं तो तुमको दिखाए कहां से, काहे के लिए दिखाए। दिखने के लायक तो बनना पड़ेगा, आप जो बोलो उसका वजन तो पड़ेगा, आप जो बोलो उसकी सच्चाई तो होना चाहिए, जो आप बोलो वो लोगों के गले तो उतरना चाहिए, वो कुछ गले ही नहीं करते। आप झूठ पर झूठ बोले चले जा रहे हो और जनता को मूर्ख समझ रहे हो। आपने कल कहा भाजपा के लोग संविधान बदल देंगे। मित्रों, आज का गूगल का जमाना है, किताबें तो लाइब्रेरी में मिल जाएगी, संसद की लाइब्रेरी में भी मिलेगी। और आप मत जाओ वहां तक, अपने गूगल उठा के देख लो, सबके पास डाटा है। सबसे पहले संविधान को बदलने का काम अगर किसी ने किया है, कांग्रेस के पहले प्रधानमंत्री ने 1950 में पहली बार संशोधन लाए, ये कांग्रेस का चरित्र है। लगातार एक बार भी 1950 से लगाकर के जब तक कांग्रेस की सरकार रही, लगभग लगभग जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान में संशोधन लाए, उनकी बेटी इंदिरा गांधी लाई, उनके बेटे राजीव गांधी लाए, पीछे से सोनिया जी ने सरकार चलवाई वो लाए, इनकी कांग्रेस की सरकार नरसिंहवाड़ा की वो लाए। लगभग 17 बार जवाहरलाल नेहरू ने संविधान संशोधन किया, लाल बहादुर शास्त्री जी ने 3 बार किया, इंदिरा गांधी ने 29 बार किया, 29 बार राजीव गांधी ने 10 बार संविधान संशोधन किया। तो जो ये लगातार लगभग 100 बार संविधान खुद संशोधन करे और दूसरे पे आरोप लगाए, डूब मरना चाहिए ऐसी आज्ञा, भाई क्या बोलना चाहिए ऐसी नादानी बात करने के लिए।